वेलकम व्यूअर्स, KTCC कंस्ट्रक्शन एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा लेक्चर है जो कि लेक्चर 2 के नाम से, हाउ मेनी टाइप ऑफ मेजरमेंट मेथड इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इन FPS सिस्टम एंड MKS सिस्टम। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम FPS सिस्टम के ऊपर बेस कर रहे हैं। तो ये जो लेक्चर है हमारा, ये सिविल कंस्ट्रक्शन साइट ट्रेनिंग फॉर क्वांटिटी सर्वेयर सुपरवाइज़र और इंजीनियर्स के लिए बहुत ही अहम है। आप सबसे पहले हमारा ये देखें, क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप ऑफ मेजरमेंट मेथड यूज इन सिविल इंजीनियरिंग एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, कि मसलन वो कितनी किस्म की पैमाइशें हैं जो हम बिल्डिंग के रिलेटेड जो जॉब्स होती हैं हमारी उसमें हम करते हैं। मसलन के अगर इसका मैं जवाब दूँ, देर आर 5 टाइप ऑफ मेजरमेंट मेथड यूज इन सिविल इंजीनियरिंग, मसलन वो कौन कौन से मेथड है। अगर आप ये हमारा लेक्चर पूरा देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, मसलन खासकर जो हमारे न्यू कमर हैं उनके लिए ये बहुत ही मुफीद साबित होगा। आप देख सकते हैं कि मैंने सबसे पहले लिखा है RFT, मसलन के जो 5 मेथड हैं वो है RFT, SFT, CFT, नंबर एंड KG। ये हम जो सिस्टम की बात कर रहे हैं वो फुट पाउंड सिस्टम के अंदर जो है वो इस्तेमाल हो रही है। मसलन कि अगर आप अपनी साइट के ऊपर ग्रिप हासिल करना चाहते हैं और मेजरमेंट शीट जहाँ आपने डिमांड देनी है किसी भी चीज़ की, तो उसमें ये 5 कैलकुलेशन के मेथड हैं। मसलन कि कौन सी चीज़ को आपने RFT में लेना है, किस आइटम को आपने SFT में लेना है, किस आइटम को आपने CFT में लेना है, और किस आइटम को आपने नंबर्स में लेना है, और किस आइटम को आपने KG में लेना है। मसलन वेट किस आइटम का होता है। तो सबसे पहला हमारा जो है वो है RFT। RFT मसलन के एक पैमाइश, मसलन के अगर कोई ऐसा आइटम आपके PQ में है जो साइट के ऊपर एग्जीक्यूट हो रहा है और उसकी एक पैमाइश है, तो आप उसको RFT मेथड से मत करने उसकी जो कैलकुलेशन वगैरह बनाएंगे या मेजरमेंट शीट बनाएंगे वो RFT के नाम से बनाएंगे। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे कि हमारी स्कटिंग है, जैसे कि बिल्डिंग आइटम में जो एक आइटम है वो है स्कटिंग। RFT में जो आइटम हमारे होते हैं वो है स्कटिंग, स्टेयर रेलिंग, डोर फ्रेम, बीडिंग, इस तरह हमारे पास आप देखेंगे प्लम्बिंग के PPR पाइप, UPVC पाइप, MS ग्रेटिंग और गोला। गोला ये जो आपका प्लास्टर का पैरिस का सीलिंग के साथ ऐड होता है। ये जितने भी आइटम हैं ये वन पेमाइशन की होती है, इसलिए इनको RFT में हम अपनी मेजरमेंट शीट में, बिल में, बिल ऑफ क्वांटिटीज में और ड्राइंग के ऊपर गिवन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका एक रूम वो 12 फिट बाई 12 फिट का है और उसमें एक दरवाज़ा जो है वो 3.5 फुट का है और आपने स्कटिंग का बिल बनाना है या स्कटिंग की पेमाइश बनानी है, तो आप 12 को मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे तो आपके पास जो इसको आप जमा करें तो आपके पास 48 आ जाएगा। ठीक है, तो 48 में से आप अपना 3 फुट और 6 इंचेस का डोर की रिडक्शन करके बाकी आपके पास 44 फुट और 6 इंच जो आपके पास पेमाइश बचेगी ये रनिंग फुट में। इसी तरह स्टे रेलिंग जो है ये आप पेमाइश लेंगे रनिंग फुट में, मसलन टॉप ऑफ रेलिंग लेकर, तो ये आपके पास स्टे रेलिंग की पेमाइश RFT में आ जाएगी। इसी तरह हमारा जो दूसरा टाइप है वो है स्क्वेयर फिट, मसलन ये जो मैं आपको पेमाइशों के तरीके बता रहा हूँ या मेजरमेंट शीट के बनाते हैं, कि अब ये जो SFT है ये ऐसा है कि कोई ऐसा आइटम जिसकी 2 पेमाइशें आपको दी गई है, मसलन के उसकी लेंथ भी दी गई है और ब्रेथ भी दी गई है, तो ये आइटम हमारी बिल्डिंग में के काम में कौन कौन से हैं। हमारा प्लास्टर का वर्क है ये SFT में आएगा, हमारा फ्लोरिंग SFT में आएगा, हमारी बाथ टाइल्स SFT में आएगा, हमारा पेंट का वर्क ये भी SFT में आएगा, हमारी विंडोज़ की जो मेन शीट बनेगी वो भी SFT में, मसलन उसमें लंबाई और चौड़ाई को नज़र रखा जाएगा, सीलिंग जो हम काम करते हैं ये भी जो है ये SFT में आएगा, डोर पैनल मसलन डोर शटर होते हैं ये भी हमारे SFT में आएंगे, वेनिटी टॉप, मार्बल और किचन एंड वार्डरोब्स ये जो है ये भी SFT में होगा। इसी तरह अगर आपने फॉर्मवर्क को कैलकुलेट करना है तो वो भी SFT में होगा, मसलन शटरिंग का जो काम आपका है वो भी SFT में होगा। मसलन इसमें दो ऐसा आइटम जो बिल्डिंग में 2 पैमाइशें जिनकी दी गई होंगी, इसी बेस के ऊपर आप अपना BOQ बनाते हैं, मेजरमेंट शीट बनाते हैं। तीसरे नंबर पर है CFT।
सी एफ टी मसन ऐसा आइटम जिसमें तीन पैमाइशें हों, मसन उसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और उसकी हाइट और थिकनेस भी दी गई हो। आप देख सकते हैं कि इसके आंसर में मैंने लिखा है आर एफ टी मल्टीप्लाई बाई आर एफ टी मल्टीप्लाई बाई आर एफ टी इज इक्वल टू सी एफ टी। अब बिल्डिंग में ऐसे कौन से आइटम हैं जो सी एफ टी में काउंट किए जाते हैं? सबसे पहले जो हम एक्सकवेशन करते हैं इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई शामिल होती है। ऑल टाइप ऑफ कंक्रीट जितनी भी मसन वो चाहे 4000 PSI है, 3000 PSI है, 5000 PSI है, वो फाउंडेशन की कंक्रीट है, चाहे वो कालमों की कंक्रीट है, चाहे वो बीम्स की कंक्रीट है, चाहे वो आपकी शेयर वॉल्स की कंक्रीट है, चाहे वो स्लैब की कंक्रीट है, चाहे वो अंडर द फ्लोर हमारी जो PCC है उसकी कंक्रीट है, ये सब क्वांटिटीज़ मसल जो है ना ऑल टाइप ऑफ कंक्रीट में मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, ये सब की सब CFT में इनकी होती है। इस तरह हमारा जो ब्रिक वर्क है ये CFT में, क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई और थिकनेस इन्वॉल्व है। स्टोन मेस्ट्री भी हमारी CFT में होगा, बैक फिलिंग हमारी CFT में है और सैंड फिलिंग भी हमारी CFT में। ये जो सारे आइटम मैंने आपको काउंट कराए हैं इनमें तीन डायमेंशन जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। इस तरह हम जो बिल्डिंग में एक चौथा आइटम है वो है नंबर्स। बिल्डिंग में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि नंबर्स में काउंट की जाती है और इनकी पेमेंट भी नंबर में पेमेंट की जाती है, उनके रेट भी नंबर्स में होंगे। जैसे कि इलेक्ट्रिक फिक्चर्स जिसमें हमारे फ़ैन हैं, लाइट है, सीलिंग लाइट्स हैं, स्विचेस हैं, ये सब के सब हमारे नंबर्स में हैं। प्लम्बिंग में जैसे हमारा कमोड है, हमारी वेनिटी है, हमारे बाथ फिक्चर्स हैं, हमारे मिरर्स हैं, हमारी सिंगल टीकॉक, डबल टीकॉक्स वगैरह, ये सब के सब जो हैं ये नंबर्स में काउंट किए जाते हैं। इसी तरह हमारे जो डोर्स के लॉक्स वगैरह हैं, हिंजेस वगैरह हैं, ये भी नंबर्स में काउंट किए जाते हैं। इसके अलावा हमारा जो पाँचवा मेथड इस्तेमाल होता है वो है KG। सबसे अहम जो पूरी बिल्डिंग में एक चीज़ होती है वो है हमारा स्टील, जिसका वेट जो होता है वो KG में होता है। इसके अलावा हमारे जो MS डोर का फ्रेम है ये भी बाज़ का BOQ में RFT के बजाय इसका KG में वेट होता है, और जो हमारी रेटिंग है ये भी KG में होती है। तो आपको ये लेक्चर देखने के बाद आपको इतना अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारी जितनी भी बिल्डिंग्स हैं इनमें हमारे पास पांच किस्म की पैमाइश आती हैं जो हम अपनी मेल में शीट बनाते हैं, जो हम कैलकुलेशन करते हैं। इसमें सबसे पहले RFT, मसलन के किसी भी आइटम की रनिंग फुट सिर्फ दी गई हो तो उसको RFT में हम काउंट करेंगे और उसकी मेल में शीट भी RFT में बनाएंगे। फिर हमारी SFT है, फिर इसी तरह हमारी क्यूबिक फिट है, फिर हमारा नंबर है और KG है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एक आसान तरीके से जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, अगर आप ये चीज़ें अपने जहन में रख लें और इनमें अबूरा हासिल कर लें तो आप लोगों का जो साइट पे ग्रिप है ये एज ए बिगिनर न्यू कमर, मसलन आपको अगर मेज में शीट बनानी है, आप सब कंट्रेक्टर के बिल बनाने हैं, जो भी आपने करना है, जहाँ आपने IPCs बनानी है, जहाँ आपने मटेरियल की डिमांड देनी है, तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने इस चीज़ की जो मेज में शीट बनानी है वो किस साइड में बनानी है। मसलन RFT में बनानी है, SFT में बनानी है, CFT में बनानी है, नंबर में बनानी है, या फिर मैंने उसको KG में बनाना है। तो हमारे साथ टच रहिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए। शुक्रिया।